मोदी के कैप्टन की यारी पक्की। यूथ अकाली दल के नेता नरेंद्र पाल सिंह सवना का बयान। फाजिलका दे विच अज यूथ अकाली दल वालों पुतला फूक प्रदर्शन किया गया। मोदी अते कैप्टन सरकार का पुतला फूकया गया, जिस दे विच मोदी ते कैप्टन की यारी दर्शाई गई। पुतलिया नूं जफियां पवाईया गईयां अते फूकन तो पहला उन्हां नूं कट्ठा बिठाया भी गया। नरेंद्र पाल सिंह सवना ने कहा कि कैप्टन अते मोदी की पक्की यारी है अते ए यारी किसानां ते पारी पै रही है। देखो मोदी अते कैप्टन दी बड़ी गूढ़ी यारी है। वेखो इन्होंने किवें जफी पा के रखते ने, इवें ही उत्ते जफी पा के रखते ने। ए बाहरों ड्रामा करते ने अलग होने का, अंदरों एक ने। तुसी वेखो ऐ इन्हां दी जफियां पैंदियां ने। ए किसानां दे व्यापारियां दे जिहड़े अपने आड़तियां दे मजदूरां दे ए सारयां दे जिहड़े गुनाहगार ने, जिहड़े इन्हां ने काले कानून लियांदे ने। रल मिल के इन्हां कैप्टन साहब ने भी पिछे जे पास करते, असीं अज इन्हां दा पुतला साड़ना। साडे प्रधान जिले के शहरी श्री अरविंदर सिंह ऐरी जी, साडे दयाती हवा सिंह पुनिया जी, साडे लखविंदर रोही वाला जी, साडे होर अपने निर्भय सिंह बराड़ जी, सर्कल प्रधान नौंडा बराड़ जी, सारे की अगवाई है। यूथ अकाली दल के नौजवान फाजिलका के डीसी दफ्तर के बाहर मोदी और कैप्टन के पुतले साड़न जा रहे हैं। फाजिलका के श्रोमणी यूथ अकाली दल वालों पंजाब की कैप्टन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का पुतला फूकया गया। श्रोमणी यूथ अकाली दल के नेतावान का कहना है कि दोनों रले हुए हैं अते इन्हां दी यारी पक्की है, जिस दे चलदियां इन्हां दे पुतले फूके जा रहे हैं। इन्हां वल्लों किसान अंदोलन के दौरान बीजेपी के खिलाफ बोलन वाले लोगों के परचे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर धक्केशाही है। उन्होंने कहा कि इस धक्केशाही के खिलाफ अज यूथ अकाली दल वालों ये पुतले फूक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी के वल्लों करवाए गए परचियां नूं रद्द करन दी मंग भी कीती जा रही है। देखो जी कैप्टन दी ते मोदी दी यारी ये जग जाहिर हो गई, क्योंकि उत्थे किसानां नूं गुमराह करी जांदा है कैप्टन साहब भी ये कानून गलत आ ते इत्थे पंजाब च लागू करदे। पंजाब विच कानून लागू किते होए आ। दूजा मुंडा श्री बराड़ जिहड़ा गीत लिखदा उहने की गलत करता, मैं उहनां ने इक यूथ नूं सारे पंजाब दे यूथ नूं उन्होंने एक हलारा दिता, एक उन्होंने मैं भी उन्होंने सारे यूथ ने हिम्मत दिखाई तो उन्होंने वो उत्ते श्री बराड़ से परचा देता। कितनी माड़ी गल है भी कि ये इतना वड्डा धक्का भी कोई बंदा गल ही नहीं कर सकता, जे कोई गल करता तो झूठा परचा दे देंगे। तो दूजी गल ये है कि सारे मैं पंजाब नहीं कहूँगा, पंजाब हरियाणा हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बीजेपी का विरोध हो रहा। जे ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਹਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਈਏ? NDA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, BJP ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
बीजेपी बारे बोलिया कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है, काले कानून लिया के किसानों ना धक्का कर रही है, वो बीजेपी के खिलाफ बोलिया, उन्होंने खिलाफ उन्हें परचा करता। सारा हिंदुस्तान जो किसान लोग जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, परचे करने सारे हिंदुस्तान से करते हो, एवं कल कल तो करी जाने। असी किसानों के नाल हाँ, जदों तक किसानों की मंग जो खेती कानून रद्द किए पूरे नहीं की जाती, रद्द नहीं किए जाते कानून, असी ये किसानों के नाल संघर्ष जारी रखा।